जिस भजन में राम का नाम ना हो उसी भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उसी भजन को गाना चाहिए। उसी भजन को गाना ना चाहिए रे, उसी भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उसी भजन को गाना ना चाहिए। ताली बजा दे। और पहली गली में कैसे बता, चाहे बेटा कितना प्यारा हो कद सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो कद सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो दर दर में घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। मिल मिल ताली के साथ में और एक बात और कहूंगा, हमारे जो नौजवान साथी है चाहे उनको पूजो ना पूजो अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। सभी मैसेज एक ही होता है, सभी यही बात समझाते हैं, चाहे जागरण हो चाहे सत्संग हो चाहे गुरुवाणी हो चाहे कव्वाली, तो सिद्धम सिद्ध एक ही पॉइंट में ही आता हूँ कि अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। घुमा फिरा के कहते हैं ना कि वो करना चाहिए ये करना चाहिए, सिंपल सी बात है। जिस माँ ने तुझको जन्म दिया दिली उसी का दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने तुझको जन्म दिया दिली उसी का दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने तुझको पारा है उसे कभी सताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। मिड मिड तालियों के साथ में क्या बात है। चहो क्या बात है। अक्सर लोग जब ऊपर वाला किसी पे मेहरबान हो जाता है तो उसकी किस्मत बदल देता है, धनवान बना देता है, कोई कमी नहीं रखता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है। लेकिन कवि ने एक बात लिखी, सुनिएगा। चाहे कितनी अमीरी आ जाओ अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाओ अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाओ दाता को बुलाना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाओ दाता को बुलाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो
उसी भजन को गाना नाचे। कदो चचे दरबारी की।